या मोट कचौड़ी पे इनकी कचौड़ी ट्राई करने, खस्ता खस्ता कचौड़ी। एक बार इसकी लुक दिखाता हूँ आपको, कचौड़ी की क्या लाजवाब लग रही है पूरा भाई, शानदार। इनकी कचौड़ी देखो दिन के भाई, कितना बड़ा बर्तन ये रोज का भर के लाते हो आप। ये करीबन कितनी कचौड़ियाँ होती होंगी इसमें? 1000 कचौड़ी इसके अंदर होती है डेली भाई साहब। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली ना मट्टी टाइप वाली कचौड़ी है, और 20 रुपए में मात्र आपको करारी कचौड़ी मिल रही है। तो क्या घर पे आप खुद ही बनाते हो भैया? अच्छा ठीक है, तो एक बार इनके दाल मोट भाई, ये आ गई हमारी दाल मोट वाली कचौड़ी भाई, गजब भाई। इतनी बढ़िया कचौड़ी ना आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी द्वारका मोड़ में भाई। ये देखो इनकी करारी क्रिस्पी करारी कचौड़ी आ गई है, ठीक है चलो। और इसके ऊपर अब क्या जाएगी भैया? चटनी आएगी डालो। ये आ गया इनका प्याज भाई, ये इनके चावल घर के बने हुए, और ये आ गए इनकी चटनी। किस चीज की चटनी रहती है भैया? सर इमली, धनिया, पुदीना, सबकी होती है। अच्छा सबकी होती है ये चटनी, थोड़ी सी और डालना। हाँ बस बस, ये सर मिर्ची, ये मिर्ची इनकी, मिर्ची का अचार बहुत बढ़िया है, डालो। और बताते जाओ एक एक चीज। ये आ गई इनकी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर होता है, अमचूर भी होता है, अमचूर आ गया, ये चाट मसाला, नमक होता है, ठीक है। और अब जाएगी मेन जान इस हर एक चीज की, जो है इनकी दाल मोट भाई। कचौड़ी भी किसी चीज से कम नहीं है, ये देखो भाई दाल मोट आते हुए। और ये लग गई हमारी कचौड़ी, बस बस बस, ठीक है लाइए भैया पकड़ाइए भाई। ये आ गई हमारी दाल मोट वाली कचौड़ी भाई, क्या गजब लग रही है। ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं। एक प्लेट और। तो भैया आते रहते हैं आप यहाँ पे? नहीं भाई, पहली बार। अच्छा आप मथुरा से हो? करारी ना एकदम खस्ता। कोई ऐसी दाल मोट कचौड़ी खानी है तो आपको आना होगा आपके सामने रिया मोट कचौड़ी पे। भैया आपका नाम क्या है वैसे? हाँ जी, नरेंद्र कुमार शर्मा। ये नरेंद्र कुमार शर्मा जी लगाते हैं यहाँ पे मोट कचौड़ी। ये रिया मोट कचौड़ी नाम कैसे पड़ा भैया? अच्छा बेटी के नाम पे इन्होंने खोला है। आप एक बार इनकी कचौड़ी देखो, खस्ता खस्ता कचौड़ी है भाई, क्या लाजवाब लग रही है।